हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हम EMRS और DSSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंतर्गत MCQ सीरीज़ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे EMRS और DSSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, जनरल पेपर की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको चैनल की मेम्बरशिप लेके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो MCQ सीरीज़ के प्रैक्टिस 2 का पहला क्वेश्चन है, सुलफाक ताल में मात्राएं होती हैं 7, 10, 14, 16। सुलफाक ताल, जिसे कि हम सूल ताल के नाम से भी जानते हैं, सूल ताल जो है पखावज की ताल होती है, ये इसका वादन पखावज पर किया जाता है। तो इसकी मात्राओं की अगर बात करें तो इसमें जो है 10 मात्राएं होती हैं। सूल ताल या सुलफाक ताल में 10 मात्राएं होती हैं। संगीत में ताल का प्रमुख स्थान है, वास्तव में ताल ही संगीत का प्राण होता है। इस प्रकार अगर देखें तो सुलफाक ताल में मात्राओं की संख्या 10 हो जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है, ख्याल, ठुमरी, भजन या ध्रुपद। सूल ताल और चार ताल ध्रुपद गायकी में प्रयोग की जाने वाली तालें हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ध्रुपद। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत होता है, जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। इस प्रकार अगर देखें तो सूल ताल और चार ताल ध्रुपद गायकी में प्रयोग होने वाली तालें हैं। सूल ताल में 10 मात्राएं होती हैं और चार ताल में जो है 12 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमरा ताल में कितनी तालियाँ होती हैं, 1, 2, 3 या 4। झूमरा ताल, जो कि हिंदुस्तानी संगीत की एक ताल है, झूमरा ताल में 14 मात्राएं होती हैं। और झूमरा ताल का प्रयोग जो है अक्सर विलंबित या अति विलंबित ख्याल में किया जाता है। इस ताल में अगर तालियों की बात करें तो इस ताल में 3 तालियां होती हैं। इस ताल में 3 ताली और 1 खाली होती है, और ये 14 मात्रा की ताल होती है। इसमें 4 विभाग पाए जाते हैं, ठीक है। झूमरा ताल जो है वो 14 मात्रा की ताल होती है, इसमें 4 विभाग होते हैं, इसमें 3 ताली और 1 खाली पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है, आड़ा चार ताल में 14 मात्राएँ होती हैं, आड़ा चार ताल में 16 मात्राएं होती हैं, आड़ा चार ताल में 10 मात्राएं होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, आड़ा चार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। आड़ा चार ताल जो होती है वो एक तबले की ताल होती है, और इसमें 14 मात्राएं होती हैं और इसमें 7 विभाग होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, आड़ा चार ताल। आड़ा चार ताल में 14 मात्राएं होती हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार की होती है, 3, 5, 4 या 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 3, कि लय जो है वो 3 प्रकार की होती है। संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। साधारण तौर पर लय के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है विलंबित लय, विलंबित लय
मध्य लय और द्रुत लय। जब लय धीमी रहती है तो उसे विलंबित लय कहा जाता है, और जब लय साधारण रहती है यानी कि ना ही विलंबित होती है ना ही द्रुत होती है, बीच की लय रहती है तो वो मध्य लय होती है। और जब लय साधारण से अधिक तेज होती है तो वो द्रुत लय कहलाती है। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि लय के कितने प्रकार होते हैं। लय के 3 प्रकार होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में ग्राम है 2, 3, 7 या 10। ग्राम के भिन्न भिन्न स्वरों को आरंभिक स्वर मानकर गान करने से मूर्छना की रचना होती है। ग्राम में 7 स्वर होते हैं, अतः प्रत्येक ग्राम से 7 तथा 3 ग्रामों से 21 मूर्छनाओं की रचना होती है। संगीत में 3 ग्राम माने गए हैं, कितने ग्राम माने गए हैं? 3। संगीत में जो ग्राम है वो 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सलज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3, कि संगीत में 3 ग्राम होते हैं, सलज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ग्राम से जो है मूर्छनाओं की रचना होती है, 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएँ और 3 ग्राम से 21 मूर्छनाओं की रचना होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम में मूर्छना होती है, ये मूर्छना है, एक ग्राम में मूर्छना होती है 7, 10, 12 या 22। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 ग्राम में 7 मूर्छना होती हैं, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 7, कि 1 ग्राम में 7 मूर्छना होती हैं। और अगर तीनों ग्राम की बात करें तो तीनों ग्राम को मिला के जो है 21 मूर्छनाएँ होती हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल स्वर है रे धा सा पा गा नी या मा सा, तारसा है ये। वह स्वर जो हमेशा शुद्ध होते हैं, विकृत कभी नहीं होते, वे अचल स्वर कहलाते हैं। सा और पा ये दोनों स्वर जो है अचल होते हैं, सा पा जो दोनों स्वर हैं वो अचल स्वर होते हैं, क्योंकि यह अपने स्थान पर अड़िग रहते हैं, ना तो यह कोमल होते हैं और ना ही तीव्र, यह सदैव शुद्ध होते हैं, शुद्ध स्वर की अवस्था में हमेशा होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सा पा, जो अचल स्वर है वो है सा पा यानी कि सलज और पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है वादी, संवादी, विवादी या अनुवादी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वादी। वादी स्वर जो है वो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है, इसे राग का राजा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वादी, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर हो जाता है वादी स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्वर कितने हैं, 5, 7, 10 या 12। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा कि शुद्ध स्वर जो हमारे होते हैं वो होते हैं 7। 7 शुद्ध स्वर होते हैं। जब कोई स्वर अपने नियत स्थान से थोड़ा नीचे खिसकता है तो वह कोमल स्वर कहलाता है, और ऊपर खिसकता है तो तीव्र हो जाता है, और जब यह फिर अपने स्थान पर लौट आता है तो यही स्वर शुद्ध हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो हमारे शुद्ध स्वर जो होते हैं वो 7 स्वर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तक में कुल स्वर संख्या है 5, 7, 12 या 14। 7 स्वरों को सप्तक कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 7, कि सप्तक में कुल स्वर की संख्या है 7 और 7 स्वरों को सप्तक कहा गया है। लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं,
साधारण ध्वनि को मध्य सप्तक कहा जाता है, जिसकी जो साधारण ध्वनि होती है वो मध्य सप्तक होती है, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक के ऊपर की ध्वनि को तार सप्तक कहा जाता है। और मध्य सप्तक के नीचे की ध्वनि को मंद्र सप्तक कहा जाता है। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, सात, कि सप्तक में कुल स्वर संख्या सात होती है और सप्तक तीन प्रकार के होते हैं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। मध्य सप्तक के ऊपर की ध्वनि को तार सप्तक, मध्य सप्तक के नीचे की ध्वनि को मंद्र सप्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में तीव्र स्वर है रे, ग, म या पा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री, म। कोई स्वर अपनी नियमित आवाज से ऊंचा जाने पर तीव्र स्वर कहलाता है। रे, ग, ध और नी। रे, ग, ध, नी, ये चारों स्वर जब अपनी जगह से नीचे होते हैं तो कोमल स्वर बन जाते हैं, और जब इन्हें फिर अपने नियत स्थान पर पहुंचा दिया जाता है तो इन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। किंतु जो हमारा म है, म स्वर यानी जो मध्यम स्वर है, जब अपने नियत स्थान से हटता है तो वह नीचे नहीं जाता, यह विकृत होकर ऊंचा हो जाता है। इस कारण मध्यम को तीव्र मध्यम कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा, म, कि संगीत में तीव्र मध्यम स्वर जो है वो है म यानी मध्यम स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में कोमल स्वर है तीन, चार, पाँच या सात। संगीत में कोमल स्वर जो हैं वो हैं चार, हमारे संगीत में चार कोमल स्वर होते हैं। कोई स्वर जब अपनी नियत स्थान से थोड़ा नीचे खिसकता है तो वह कोमल स्वर कहलाता है, और ऊपर खिसकता है तो तीव्र स्वर हो जाता है। फिर अपने स्थान पर वापस लौट आने पर ये स्वर शुद्ध कहे जाते हैं। इस तरह से हमारे संगीत में सात शुद्ध स्वर, सात शुद्ध स्वर, चार कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर होता है। इस प्रकार हमारे संगीत में कुल मिला के 12 स्वर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, चार। संगीत में कोमल स्वर कितने हैं? चार स्वर हैं। और ये चार स्वर कौन से हैं? ये चार स्वर के जो नाम हैं वो ये हैं, रे, ग, ध, नी। रे, ग, ध, नी, ये चारों स्वर जो हैं वो कोमल स्वर हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के कितने भाग हैं? दो, पाँच, सात या तीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, तीन, कि स्वरों के तीन भाग होते हैं। संगीत में वह शब्द जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव आदि को सुनते ही सहज में अनुभव हो सके, वह स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत में सात स्वर होते हैं जिसके नाम हैं सलश, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत व निषाद, यानी कि स, रे, ग, म, प, ध, नी। संगीत में तीन प्रकार के स्वर भेद होते हैं। पहला होता है शुद्ध स्वर, दूसरा होता है कोमल स्वर और तीसरा होता है तीव्र स्वर। इस प्रकार से हमारे स्वरों के जो है तीन भाग हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा, तीन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया या उस्ताद अमजद अली खां। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, पंडित रविशंकर एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं, जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो हैं
ये एक सरोद वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। और हमारे अमजद अली खान जी जो हैं ये भी एक सरोद वादक हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गलती से सरोद लिख दिया है, सरोद नहीं संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं एक संतूर वादक हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, पंडित रविशंकर की। पंडित रविशंकर एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं और पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो है संतूर वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं, अमजद अली खान जी सरोद वादक हैं। 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाड का धुन इन्होंने ही तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतूर वादक हैं उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद हलीम जाफर खां, पंडित शिव कुमार शर्मा या पंडित श्यामता प्रसाद। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं एक संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो हैं वो प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य है। शिव कुमार शर्मा का जन्म जो है जम्मू में गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर हुआ था। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्मश्री और 2001 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, पंडित शिव कुमार शर्मा जी एक संतूर वादक हैं। उस्ताद अली अकबर खां के बारे में, ये जो हैं एक सरोद वादक हैं। उस्ताद हलीम जाफर खां जो है ये एक सितार वादक हैं। पंडित श्यामता प्रसाद जी जो हैं वो तबला वादक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद वादक हैं पंडित रविशंकर, अमजद अली खां, उस्ताद विलायत खां या इनमें से कोई नहीं। अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, अमजद अली खां। इनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और अगर पंडित रविशंकर और अमजद अली खां जी की बात करें तो ये दोनों ही एक सितार वादक हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन दो हो जाएगा, अमजद अली खां एक प्रख्यात सरोद वादक हैं जिन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ध्रुपद गायक हैं अमीनुद्दीन डागर, फयाज खां, मल्लिका अर्जुन मंसूर या पंडित भीमसेन जोशी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन एक, अमीनुद्दीन डागर की। अमीनुद्दीन डागर जो हैं वो एक ध्रुपद गायक हैं। उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर का जन्म 20 अक्टूबर 1923 में इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1923 में इंदौर में हुआ था। ये चार ध्रुपद गायक भाइयों में से दूसरे नंबर के डागर वाणी शैली में ध्रुपद गायक थे। इन्हें दिग्गज युगलबंदी या वरिष्ठ डागर ब्रदर्स की जोड़ी में छोटे भाई के रूप में भी याद किया जाता है। 1975 में उन्होंने अपने स्वयं के ध्रुपद संस्थान की स्थापना की और उन्हें 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, अमीनुद्दीन डागर। क्या अमीनुद्दीन डागर एक ध्रुपद गायक थे। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1923 को इंदौर में हुआ था। ये चार भाइयों में से दूसरे नंबर के थे और इनकी जो है वाणी डागर शैली थी।
इन्हें दिग्गज युगलबंदी वरिष्ठ डागर ब्रदर्स की जोड़ी में छोटे भाई के रूप में भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार हैं संतूर के, सहनाई के, तबला के या पखावज के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 तबला, कि उस्ताद अल्लाह रखा खां जो हैं प्रसिद्ध तबला वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां, इनका पूरा नाम है उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और इन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है। ये अल्लाह रखा के नाम से संगीत जगत में बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। ये एक भारतीय तबला वादक थे और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना विशिष्ट स्थान रखते थे। ये सितार वादक पंडित रविशंकर के लगातार संगतकार रहे हैं। इन्हें 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा तबला, कि उस्ताद अल्लाह रखा खां एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसे कहते हैं न्यास स्वर, बहुत्व स्वर, अल्पत्व स्वर या वर्जित स्वर। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे वर्जित स्वर कहते हैं, जबकि बहुत्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका अधिक प्रयोग होता है वह बहुत्व स्वर कहलाता है, और जिस स्वर का प्रयोग अल्प मात्रा में होता है यानी कम होता है उसे अल्पत्व स्वर कहा जाता है। और जिस स्वर पर कुछ देर टिका जाता है उसे न्यास स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा वर्जित स्वर, कि राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता उसे वर्जित स्वर कहते हैं। बहुत्व स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसका अधिक प्रयोग होता है, और जिन स्वरों का रागों में अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है उसे अल्पत्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर में कुछ देर तक टिका जाता है उसे न्यास स्वर कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा वर्जित स्वर। तो फ्रेंड्स, MCQ सीरीज़ के अंतर्गत प्रैक्टिस 2 में आज कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके DSSSB और EMRS एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।